स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। मैं हूं ज्योति और आज इस वीडियो में मैं आपको एमआईएम प्राइमरी एमआईएम की प्रिपरेशन जो है वो एमआईएम से सिखाऊंगी। और इस जो रिएक्शन है उसका जो नाम है दैट इज दी क्या नाम रहेगा, हॉफमैन ब्रॉम एमआईएम डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस रिएक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बार की तरह आज का लेक्चर भी आप तक जल्दी से पहुंच जाए। सो टुडेज टॉपिक इज दैट हॉफमैन, जो साइंटिस्ट है उनका नाम है हॉफमैन और ब्रॉम एमाइन। एमाइन को किससे इन्होंने रिएक्ट करवाया, ब्रोमाइन से। और डिग्रेडेशन, इस रिएक्शन में जो है वो क्या होगा, हमें जो एमाइन मिलेगा उसमें एक कार्बन कम होगा एमाइन जिससे हमने स्टार्टिंग की है, ठीक है, दैट इज रिएक्शन। सो इस रिएक्शन में मेन जो हमारा याद करने वाला थिंग है कि इस रिएक्शन के दौरान द एमाइन, जो हमें एमाइन मिलेगा उसमें एमाइड से, जिस एमाइड से हमने ये रिएक्शन शुरू करना है उससे एक कार्बन कम होगा, इसीलिए इस रिएक्शन का जो नाम है दैट इज द डिग्रेडेशन। हॉफमैन साइंटिस्ट का नाम है, ब्रोमाइन वाटर के साथ एमाइड को रिएक्ट करवा रहे हैं और रिएक्शन मींस केमिकल रिएक्शन होने जा रहा है। सो यहाँ पे जो रिएक्शन इसमें होता क्या है, जो एमाइड होता है, एमाइड वो एलिफेटिक भी हो सकता है स्ट्रेट चेन या फिर वो एरोमेटिक भी हो सकता है। एलिफेटिक और एरोमेटिक विद ब्रोमाइन वाटर, एमाइड जो है वो विद ब्रोमाइन वाटर रिएक्ट करेगा। एमाइड हम लोग रिएक्ट यहां पे लिख सकते हैं, एमाइड रिएक्ट विद ब्रोमाइन वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। जो बेस है वो NaOH भी हो सकता है या KOH भी हो सकता है, राइट। तो यहां पे एमाइड रिएक्ट विद ब्रोमाइन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस टू ईल्ड क्या देगा, 1 डिग्री एमाइन। एमाइन अगर आपने आपका इनिशियल एमाइन जो है वो एरोमेटिक होगा तो आपको एरोमेटिक एमाइन मिलेगा, अगर वो आपने एलिफेटिक लिया है तो एलिफेटिक एमाइन मिलेगा। एंड द एमाइन कंटेन 1 कार्बन, हम इससे वहां से कंफ्यूजन ना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, 1 कार्बन लेस देन द स्टार्टिंग एमाइड, जो एमाइड होगा उससे हमें यहां पे एक कार्बन कम मिलेगा। तो लेट्स बिगिन विद द रिएक्शन, क्या होगा, हमारे पास एमाइड, एमाइड का फॉर्मूला RCONH2, ये हमारा एमाइड है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमाइन वाटर के साथ Br2, बिकॉज जो ब्रोमाइन है वो डायटॉमिक है तो मैंने Br2 लिखा, और साथ में मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है NaOH। और हमारे पास क्या आएगा, ये जो R है एमाइड का वो नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, जो कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा जिस कारण यहाँ वाला बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगा और ये जो R है वो नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, अट्रैक्ट करेगा। एंड व्हाट वी विल गेट, RNH2। तो एमाइड का जो एल्काइल या एराइल पार्ट है, आप इसे AR साथ में लिख लो, एराइल या एल्काइल पार्ट ऑफ एमाइड अट्रैक्ट टूवर्ड्स द नाइट्रोजन ऑफ द सेम एमाइड, उसी की तरफ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन रिएक्ट विद द ब्रोमाइन। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एमाइड का एल्काइल या एराइल पार्ट जो है वो नाइट्रोजन की तरफ जाएगा जब वो ब्रोमाइन वाटर के साथ रिएक्ट करता, कौन कहता है, हॉफमैन।
और हमें 1 डिग्री एम आइन देगा, साथ में हमें सोडियम कार्बोनेट देगा, साथ में हमें एन ए बी आर देगा, प्लस हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और अगर हम इसे बैलेंस करें तो ये 4 है यहाँ पे, ये क्योंकि 2 है तो इसे हम 2 कर लेंगे और टोटल यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलेंगे। तो ये रिएक्शन ये कहता है, ये रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें कि हमारा जो एमाइन है जब वो ब्रोमाइन वाटर के साथ किसी बेस की प्रेजेंस, दोनों में से कोई भी आप बेस ले सकते हैं, अल्काइल एमाइड ले लो या आप एराइल एमाइड ले लो, तो हमें प्राइमरी एमाइन मिलेगा। ये रिएक्शन है। अभी मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझा देती हूँ। तो मैकेनिज्म क्या कहता है, मैकेनिज्म इसका 4 स्टेप में हो जाएगा। स्टेप वन में क्या होगा, हम एमाइड ले लेंगे आर सी ओ एन एच टू, हमने एमाइड ले लिया और वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमाइन वाटर के साथ, किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, एन ए ओ एच के साथ। तो क्या होगा हमारे पास, ये ब्रोमाइन जो है, अब हम इसको थोड़ा सा अगर एमाइड को इस तरह लिखें एच और एच इस तरह लिखें, तो नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन हो जाएगी, अपनी तरफ खींच लेगा, इसके पास तो वैसे ही लोन पेयर अवेलेबल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पे भी एक जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है वहां पर भी यहाँ पे होमो इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन जो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और सोडियम के पास क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। सेम अगर हमने यहाँ ब्रोमाइन लिखा है, ब्रोमाइन दो तरह से लिख लेंगे, और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन करते हैं, एक ब्रोमाइन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा और दूसरा ब्रोमाइन जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों जो है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, NaBr, राइट। और ये जो H है ये इस OH के साथ रिएक्ट करेगा, ये जो H है वो इस OH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा हमें साथ में, एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, ये जो हमारे पास Br है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज आर सी ओ एंड बी आर एंड एच, ये हमारे पास एक न्यू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, साथ में एन ए बी आर बना है, साथ में वाटर बना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है एंड ब्रोमो और बाकी क्या है, एमाइड, तो हम और क्या कहेंगे, एंड ब्रोम एमाइड, ये मेरे पास एक इंटरमीडिएट बन गया, ये स्टेप वन का रिएक्शन है। अब ये जो प्रोडक्ट मेरे पास बना है इसको मैं यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट यूज करूंगी स्टेप टू में। तो स्टेप टू जो है, स्टेप टू में क्या हो जाएगा, स्टेप टू में क्या हो जाएगा, हम इसको यहां पे ले आएंगे आर सी ओ एन बी आर और यहां पे एच। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, अभी यहां पे हम जो ये रिएक्शन कर रहे हैं यहां पे अभी भी मेरे पास क्या है, क्या रहेगा यहां पे, एन ए ओ एच, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करूंगी। अब हमारे पास क्या बनेगा, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर आपसे पहले कहा कि इन दोनों के बीच में कौन सा फ्यूजन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि यहां पे इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और लेकिन ये इनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और हमारे पास क्या बनेगा, आर सी ओ एन बी आर
साथ में यहां पे क्या लग जाएगा, एक वाटर मॉल एच, यहां से एच निकल जाएगा, ये एच के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मूव कर लेगा, ठीक है। एक लोअर पेयर तो पहले से ही था इसके पास, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया है। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। और क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो बाकी जो है यहां पे एक अनस्टेबल मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए है, ये इसका अपना लोन पेयर, ये जो इसने ले लिया है, तो यहां पे अनस्टेबल क्या बन रहा है, आयन, और साथ बाहर क्या आ जाएगा, Na प्लस, जो कि यहां से आया, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, क्लियर। अब ये जो मेरा प्रोडक्ट यहां बना है, इसे मैं थर्ड स्टेप में एज अ रिएक्टेंट यूज करूंगी, क्लियर है। तो स्टेप थ्री जो है, स्टेप थ्री में मैं क्या करूंगी, स्टेप थ्री में ये जो मैंने यहां पे हमारा प्रोडक्ट बना आर सी ओ एन 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 और बी आर, इसके बाहर जो है वो नेगेटिव साइन है, और साथ में एन ए प्लस। अब नाइट्रोजन इतने सारे इलेक्ट्रॉन को लेके स्टेबल नहीं हो सकता, वो क्या करेगा, इस वाले ब्रोमाइन को इसका इलेक्ट्रॉन दे देगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, आर सी ओ एन, और यहां से बी आर भी चला जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा बाहर, एन ए बी आर, क्लियर है। अब हमारे पास ये क्या बन गया, एसाइल नाइट्रीन, क्लियर, ये अब हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट में क्या होगा, रीअरेंजमेंट, इसमें रीअरेंजमेंट होगी, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा रीअरेंजमेंट के बाद क्या आ जाएगा, ओ ये वाला ओ, सी ये सी, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, जिस कारण यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा एन और आर, इस तरह से हमारे पास रीअरेंजमेंट हो गया, और ये वाला क्या बन गया आपके पास, एक न्यू प्रोडक्ट बन गया। इस न्यू प्रोडक्ट को अब मैं क्या करूंगी, यहां पे रिएक्ट कर एनीवाइज के साथ रिएक्ट करवाऊंगी। तो स्टेप फोर जो है, स्टेप फोर, स्टेप फोर में क्या होगा, हम लोग जो ओ सी एन आर है, इसे मैं कैसे लिख सकती हूं, ऐसे लिख सकती हूं, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और ये रिएक्ट किसकी प्रेजेंस में करेगा, अभी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, राइट, जिससे रिएक्ट कर रहा है। एज यूजुअल हमारा क्या हो जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर यहां से इसको ब्रेक करते हैं, यहां से इसको ब्रेक कर लेंगे, तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन आ जाएगा, और हमारे पास क्या आता है, आर एन एच टू प्लस एन ए टू सी ओ थ्री। अगर मैंने एन ए टू लिया है, और यहां पे तो एक ही एन है, इसे बैलेंस करने के लिए मैं यहां पे टू लगा देती हूं, आर एन, इसका मतलब यहां से दो एच गई थी, तो इस हम लोग इस बार इसके ब्रेक करने के इंस्टेड ऑफ दिस हम इसे ब्रेक करेंगे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज, और इस तरह से हमारे पास क्या बना, एन टू सी ओ थ्री और प्राइमरी एमाइन। सो दिस इज द हॉफमैन डिग्रेडेशन, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड, जहां पे हमें प्राइमरी एमाइन मिलता है। जब हम एमाइन को ब्रोमाइन वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, सो ये रिएक्शन, ये हमारा मेन रिएक्शन था, ये उसका मैकेनिज्म है। सो टिल देन यू टेक केयर एंड नोट द पॉइंट्स, टेक केयर, बाय बाय।